तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। वेलकम टू द चैनल तुषार चाओ के आर्ट। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मैं हर रोज़ वीडियो लाऊंगा, हाँ, तो वैसे ही आज मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। मैं देने वाला हूँ खुद को एक टास्क, जिसमें मैं क्या करूँगा कि 10 सेकेंड, 5 मिनट और 15 मिनट मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉ करूँगा। ये आँख होती है ना, ये तो ये आँख मैं ड्रॉ करूँगा, और उसके साथ भी मैं वो टाइम से करूँगा, मतलब 10 मिनट में, 5 मिनट में और 15 मिनट में बनने वाली आँख कैसी बनती है, और वो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब मैं डिटेल्स बताऊँगा पूरा। पर वीडियो के एंडिंग में अगर नहीं मैं रिकवर कर सका इस वीडियो में, तो फिर मैं वो डिटेल्स अगले वीडियो में डालूँगा, समझा ना? हाँ, तो फिर अभी मैं वीडियो शुरू करता हूँ। हाँ दोस्तों, ये है पहला टास्क जिसमें मैं करूँगा आई ड्रॉ। ये है सिर्फ 10 सेकेंड का। ये बहुत हार्ड है क्योंकि 10 सेकेंड में कुछ नहीं बन सकता जल्दी, पर मैंने ट्राई किया पूरा, पर ये नहीं बन सका। तो हाँ दोस्तों, मैंने पहला टास्क किया पर मैं इसमें फेल रहा, क्योंकि मेरे को टाइम 10 मिनट में क्या निकल जाएगा, निकल सकता था अच्छे से, पर वो नहीं हो सका क्योंकि तो पता नहीं क्यों नहीं जाऊँ मेरे को। ठीक है, फिर वो छोड़ दे, अपन दूसरा वाला ट्राई करेंगे 5 मिनट में। अब 5 मिनट में देखते हैं कैसे। हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पहले टास्क में मैं फेल रहा, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ दूसरा वाला टास्क जो है 5 मिनट्स का। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। पहले मैं आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ आराम से, फिर होने के बाद मैं थोड़ा शेड कर रहा हूँ, फ्री हैंड शेड कर रहा हूँ मैं, उसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और फिर मैं यूनिफॉर्म टाइप मोशन से थोड़ी सी शेड्स कर रहा हूँ, वो भी हैचिंग टाइप मेथड से। और इसके साथ भी मैं थोड़ी सी हार्डनेस के लिए, डार्क शेड के लिए 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा डार्कनेस बनी रहे। और जहाँ हाईलाइट देनी थी वहाँ मैंने पहले से ही जगह छोड़ दी, जिससे मुझे हाईलाइट्स करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर मैंने अपना पूरा टाइम दिया। यह है सेकेंड टास्क। मुझे लगता है कि आपको ये फर्स्ट टास्क से थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। हेलो, तो देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है टाइम। अब 5 मिनट में इतनी अच्छी निकल सकती है, थोड़ी सा स्केच, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी कम है, मैं मानता हूँ थोड़ी सी क्वालिटी कम है, पर 5 मिनट कम नहीं होता, 5 मिनट में अच्छी निकली। और इसमें क्या है कि नीचे अपन जितना अच्छा टाइम निकालेंगे ना, मतलब जितना टाइम देंगे, जितना टाइम कंज्यूम लेंगे ना, वो उतनी अच्छी क्वालिटी देंगे अपन को। और वो थोड़ा सा शेड वेड की प्रॉब्लम हुई कि मैंने नीचे वो पेंसिल्स ज़्यादा शार्प नहीं थे मैंने किए थे, क्योंकि वो मेरा शॉर्पनर ख़राब हो गया। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर वो रिकवर कर लूँगा मैं। पर अगर अपन जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना, उतनी अच्छी क्वालिटी अपन को इंक्रीज़ होती जाएंगी, लेयर बाय लेयर। जैसे जैसे हम जाएंगे ना, वैसे वैसे अपन की क्वालिटी बढ़ेंगी। और उसी तरीके से 5 मिनट में मेरा ये हुआ है कंप्लीट इतना। फिर अब देखेंगे हम कि 15 मिनट में कैसा होता है। 15 मिनट भी बहुत कम टाइम नहीं होता मेरे को, शायद 10 मिनट में हो सकता है मेरा कंप्लीट। पर अगर मैं और ज़्यादा टाइम लिया तो फिर मैं और अच्छे से निकाल सकता। चलो देखेंगे फिर कैसे बनता 15 मिनट में। हाँ दोस्तों, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थर्ड वाला टास्क। तो इसमें मैं आराम से, मेरे पास टाइम ज़्यादा है इसलिए मैं पहले आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, पूरे एकदम नॉर्मल जैसे मैं हमेशा करता हूँ। और ड्रॉ करने के बाद मैं एकदम यूनिफॉर्म मोशन से एक लेयर डाल रहा हूँ, ये फर्स्ट लेयर डालने के बाद मैं 4B पेंसिल से थोड़ा सा जो साइड्स है वहाँ डार्कनेस डालता हूँ, और उसके बाद मैं नॉर्मल ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेता हूँ। और ब्लेंड करने के बाद में जो भी लाइंस निकाली वहाँ वो पेंसिल का शार्पनेस मर्ज कर लेता, जिससे वहाँ एक टेक्सचर बन जाए। और वो होने के बाद में नॉर्मल नटराज के इरेजर से हाइलाइट्स निकाल लेता, और फिर और थोड़े से शेड्स दे रहा। और दोस्तों देखो, जैसे जैसे हम ब्लेंड करते जाएंगे उस तरह से अपन के स्केच में टेक्सचर बनते जाएंगे, और लेयर बाय लेयर ही जाना। अगर एक बार करोगे तो फिर पेज डैमेज हो जाएंगे, और पेज डैमेज होने के बाद आप अच्छी स्केच नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि वही बिगनर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जितना टाइम दोगे उतना टाइम कंज्यूम लेगा, उतनी आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएंगी। और पेशेंस हमेशा रखना, क्योंकि पेशेंस के आपकी जो स्किल्स है वो टेम्प्रेरी तो नहीं, पर कुछ वक्त के लिए बनती रहेंगी।
और आपकी स्किल्स मैटर होती है मतलब जित। और फिर मैं अभी यहाँ थोड़ी सी हाइलाइट्स देता हूँ जिससे जो रियलिज्म बनता है वो रियलिज्म अच्छा लगता है। और फिर मैं बाल बना रहा हूँ छोटे छोटे से आईलैशेस जिससे हो रहा हो। और फिर मैं लास्ट में 8B पेंसिल से वहाँ हार्डनेस दे रहा हूँ और डार्कनेस दे रहा हूँ जिससे रियलिज्म बना रहे। ये है फाइनल टेक्सचर्स। तो कैसा लगा आप बताएं। हाँ और ये हुआ है पूरे। तो हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट में डालो वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा मत डालो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ पर लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो सच में। और अगर कुछ मदद मिली होगी थोड़ी बहुत तो फिर कर देना यार, वैसे भी भला हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ और मैंने जैसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं अगर इस वीडियो में रिकवर नहीं कर सका ट्यूटोरियल जैसे मतलब एक्सप्लेन करना, तो फिर मैं अगले वीडियो में डालूँगा। तो फिर ये वाला जो प्रॉब्लम्स है मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।